हेलो डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट डेरिवेशन ऑफ अ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव किया था, जो कि हमारे पास आया था कुछ इस तरह से। हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो है डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो। ये हमने डिराइव किया था पिछले क्लास में। और गौर करने वाली बात यह है कि यह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, लेकिन जब हम लोग स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एटॉमिक स्ट्रक्चर में अप्लाई करेंगे, तो जैसा कि आपको पता है कि एटम एक स्फेरिकल डायमेंशन है, इसलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बजाय स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना ज्यादा बेहतर होगा। आप बेसिक लेवल पे 11 ट्वेल्थ में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि तीन तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम ज्यादातर यूज होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये यूज होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स, क्यूबिक बॉक्स या वन डायमेंशन टू डायमेंशन में स्टडी के लिए। दूसरा होता है सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि अगर सिलिंड्रिकल आपका प्रॉब्लम है तो आप सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। इसी तरह से अगर आपका स्फेरिकल डायमेंशन है तो आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, ना कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका बेनिफिट यह होता है कि अगर आप स्फेरिकल प्रॉब्लम को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व कीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन इजी होगा, आप सॉल्यूशन कर पाओगे। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर आप स्फेरिकल डायमेंशन में सॉल्व कर रहे हो एक प्रॉब्लम को और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व कर दिया, तो हो सकता है उसका सॉल्यूशन करना डिफिकल्टी नहीं बल्कि इंपॉसिबल भी हो जाए। तो बेहतर यह है कि हम लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें, बिकॉज एटम जिसमें कि हम लोग स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज स्फेरिकल इन डायमेंशन। तो मैं इसी बात को लिखने जा रहा हूं कि सिंस एटम इज स्फेरिकल इन नेचर, एटम इज स्फेरिकल इन नेचर, सो इट इज बेटर टू यूज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जिसे हम लोग आर थीटा फाई कहते हैं, इन प्लेस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन प्लेस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो है एक्स वाई जेड, जो कि मैंने कहा वन डायमेंशन टू डायमेंशन क्यूबिक बॉक्स क्यूबॉइड इन सब में यूज करना आपके लिए बेहतर होगा। तो हम लोग आर थीटा फाई के टर्म में सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि आर थीटा फाई और एक्स वाई जेड के बीच का रिलेशन क्या है। एक्स वाई जेड तो आप समझते हो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस दैट इज एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस दैट इज वाई, जेड एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस दैट इज जेड। आर थीटा फाई का मतलब क्या है, चलिए हम लोग इस पे समझते हैं। देखिए आपके पास क्या है, ये है, मैं इसे एक्स मान लेता हूं, इसे वाई मान लेता हूं, इसे जेड मान लेता हूं। थोड़ा सा मैं ऊपर फिगर बनाता हूं, आई थिंक नीचे नहीं दिख रहा होगा बहुत लोग को। तो ये वाई है, ये जेड है और ये एक्स है। चलिए बारी बारी समझिएगा, मैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन बता रहा हूं। इसके बाद हम लोग इस पार्ट को, इस स्क्रोडिंगर इक्वेशन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से बदलेंगे, जो कि एक बड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन है, बड़ा डेरिवेशन है, जो कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे आज के क्लास में। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि आर थीटा फाई का मतलब क्या। तो आर किसी भी पॉइंट पी का जो आर होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन होता है। आर इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, दैट पॉइंट का थ्री डायमेंशनल पॉइंट है, पी यहां पर है। इस पी से अगर आप जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है ये, और फिर इसी पॉइंट पी से आप क्या करते हो, इस
पी पॉइंट का प्रोजेक्शन लेते हो एक्स वाई प्लेन में, इस पी पॉइंट का प्रोजेक्शन लेते हो एक्स वाई प्लेन में, तो ये निकलता है। मान लिया मैं इसको ओ लिखता हूं, इसको क्यू लिख देता हूं, इधर मैं पी और एल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। समझिएगा, मैंने क्या किया, पॉइंट पी का, पॉइंट पी से पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जेड एक्सिस पे, और ये जो ओएल हो गया आपका हो गया जेड, और फिर पी का प्रोजेक्शन लिया, पी से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन में। तो जो ये पॉइंट पी है, ओपी जो ओरिजिन ओ है और पी है उसके बीच का जो लाइन है, जो जेड एक्सिस से जो एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड थीटा। आपको पता ना आर थीटा फाई, तीन टर्म है इसमें, तो थीटा इज, व्हाट इज थीटा, तो जो पॉइंट पी को ओरिजिन से जोड़ने वाला लाइन है वो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज थीटा। अब पॉइंट पी का प्रोजेक्शन जो आपने एक्स वाई प्लेन में ले रखा है, वो पॉइंट पी, मैं ओ इधर ले लेता हूं, वो पॉइंट पी क्या करेगा, उसको जब आप क्या करते हो ओरिजिन से मिलाओगे इस क्यू को, तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज फाई, ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है दैट इज फाई। अब क्या करो, क्यू से आप क्या कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस पे, क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे, ये हो गया एक्स, और फिर क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो वाई एक्सिस पे, और ये हो गया आपका यहां से यहां लेंथ हो गया वाई, और परपेंडिकुलर ड्रॉ जॉ कर रहा हूं मैं क्यू आर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं एक्स एक्सिस पे, और क्यू एस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं वाई एक्सिस पे। तो अब हम लोग बारी बारी से सारे चीजों को समझते हैं, कौन किसका क्या मतलब है ये सारा कुछ देखते हैं। देखिए, अगर मैं इन परपेंडिकुलर ट्रेंगल, इन परपेंडिकुलर ट्रेंगल ओ पी एल लेता हूं, ओ पी एल लेता हूं, तो ये थीटा है, ये आर है और ये जेड है, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा, जेड अपॉन आर, इससे आ जाएगा जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, कोई दिक्कत, इससे जेड का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा आर कॉस थीटा। अगर मैं इसी तरह से इसी में क्या करता हूं, साइन थीटा लेता हूं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पीएल अपॉन आर, इससे पीएल का वैल्यू आ जाएगा आर साइन थीटा, इससे पीएल का वैल्यू जो आ जाएगा वो हो जाएगा आर साइन थीटा। अब जरा गौर कीजिएगा कि जो पी एल ओ क्यू है वो एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, देखिए अच्छे से, ये जो मैं इसको अगर रेड कलर से ही कर देता हूं मैं, तो ये जो है वो एक रेक्टेंगल है, तो आपका जो ओ एल पी क्यू है वो क्या है, आपका एक रेक्टेंगल है, और जगह अगर वो एक रेक्टेंगल है, ओ एल पी क्यू जो है आपका रेक्टेंगल है, तो जो पी एल होगा वही ओ क्यू होगा, मतलब पी एल बराबर हो जाएगा ओ क्यू, और जो कि आर साइन थीटा आपने ऑलरेडी लिख रखा है, क्लियर बात। अब जरा मैं इसमें आता हूं, अब चलो ये आ गया आपका ओ क्यू आ गया, अब मैं इस ट्रेंगल में आता हूं, किस ट्रेंगल में, आर ओ क्यू में, ये परपेंडिकुलर ही है, तो इन परपेंडिकुलर ट्रेंगल आर ओ क्यू में अगर मैं कॉस फाई लिखता हूं, तो कॉस फाई इज नथिंग बट ओ आर अपॉन ओ क्यू, और ओ आर क्या है, एक्स एक्सिस का लेंथ है, तो एक्स अपॉन आर साइन थीटा, कहने का मतलब x का वैल्यू आ जाएगा r साइन थीटा कॉस फाई, x का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा r साइन थीटा कॉस फाई। उसी तरह से अगर मैं साइन फाई लेता हूं, तो ये आपके पास आ जाएगा कौन सा, क्यू आर, और क्यू आर और ओ एस, आप फिर देख लो ये एक रेक्टेंगल है, ओ आर क्यू एस, आपका क्या होगा, क्यू आर अपॉन r साइन थीटा, इसका मतलब क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, आर साइन थीटा साइन फाई, और इससे पता चलेगा क्या कि जो क्यू आर है, आप समझ सकते हो फिर रेक्टेंगल में देख लीजिए, ओ आर क्यू एस में, इन रेक्टेंगल आपके पास है ओ आर क्यू एस, जो आपका ओ एस होगा जो कि वाई है,
दैट विल बी इक्वल टू क्यू आर, जो कि आ जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई। किसी को कोई आपत्ति इसमें नहीं होना चाहिए, आप आसानी से समझ लो क्या क्या चीजें मैंने किया है। इसके अलावा कुछ और चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो टर्म है ये कि आर इज इक्वल टू, आप समझ सकते हो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं पहले लिखता हूं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। आर का जो वैल्यू होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से उसका स्क्वायर हर कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट का स्क्वायर के बराबर होगा। अगला क्या है, टेन थीटा की बात करता हूं मैं, तो टेन थीटा क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा क्या होगा आपका, टेन थीटा होगा पीएल, गौर कीजिएगा टेन थीटा जो होगा वो होगा पीएल अपॉन देखिए ओ क्यू, पीएल अपॉन ओ क्यू। और पीएल क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, पीएल जो है आपका, पीएल जो है नथिंग बट आपका जो है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और ओ क्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ओ क्यू हो जाएगा जेड। और एक और चीज मैं, अगर मैं टेन फाई निकालना चाहूं, टेन फाई निकालना चाहो दिस इज फाई, तो अगर मैं टेन फाई निकालना चाहूं तो टेन फाई विल बी इक्वल टू, आप आसानी से देख सकते हो ये परपेंडिकुलर है तो आप हो जाएगा ओ आर मतलब वाई अपॉन एक्स, तो आपके पास ये हो गया वाई अपॉन एक्स। तो आप इस तरह से क्या है मैंने क्या क्या किया, पहला तो ये एक्स वाई जेड को आर थीटा फाई के टर्म में लिख दिया, और दूसरा मैंने आर को एक्स वाई जेड के टर्म में टेन थीटा टेन फाई का एक्सप्रेशन लिखा। इन सभी एक्सप्रेशन को मैं यूज करूंगा जब मैं इस पार्टिकुलर इक्वेशन को जो आपको दिख रहा है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, इसको जब मैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करूंगा। एक लंबा डेरिवेशन होने जा रहा है जिससे में हम लोग ये सभी टर्म्स को याद रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड इज इक्वल टू आपके पास है आर कॉस थीटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और टेन थीटा टेन फाई आपके सामने लिखा हुआ है किस तरह से एक्सप्रेशन। तो हम लोग बारी बारी से अब इसको बदलने जा रहे हैं एक इक्वेशन को, इस इक्वेशन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, समझिएगा स्टेप बाय स्टेप, बड़ा डेरिवेशन है, हम लोग बारी बारी से करते हैं सब कुछ। अब देखिए देखिए मैं इसको भी मिटा ही रहा हूं, जगह हम लोग को चाहिए बहुत ज्यादा, डेरिवेशन बड़ा सा है। देखिए मैं ऐसा करता हूं कि मैं कुछ कुछ जो इक्वेशंस है इंपॉर्टेंट इक्वेशंस उसको मैं लिखता जाता हूं क्योंकि इसका बार बार इस्तेमाल पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं इस बोर्ड को डिवाइड कर देता हूं दो पार्ट में, एक पार्ट में हम लोग डेरिवेशन करते जाएंगे और दूसरे पार्ट में हम जो फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल करेंगे उसको लिखते जाते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा, आई थिंक आपको यहां तक दिख रहा होगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक्स का वैल्यू जो था वो आर साइन थीटा कॉस फाई था, वाई का वैल्यू जो था वो आर साइन थीटा साइन फाई था, और जेड का वैल्यू जो था वो आर कॉस थीटा था। उसके बाद आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं इक्वेशन वन मान ले रहा हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, टेन थीटा का वैल्यू आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड था, और टेन फाई का वैल्यू जो था वो आपके पास वाई अपॉन एक्स था। इन तीनों को मैं इक्वेशन टू मान लेता हूं, इस सबको मैं लिखता जाऊंगा, बहुत सारा इक्वेशन होगा जिसको मैं लिखूंगा क्योंकि यहां पर बड़ा डेरिवेशन है, आपको बार बार इन चीजों का जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास है क्या, बारी बारी समझिएगा, जो भी इक्वेशन आएगा इंपॉर्टेंट मैं उसको इस टेबल में इस जगह पे इस स्पेस में लिखता जाऊंगा। हमारे पास है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर मैं डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल कर दूं एक्स के रेस्पेक्ट में तो टू आर डी आर अपॉन डी एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू एक्स होगा, दिख रहा है ना,
मतलब ये साफ है कि आपका जो डी आर अपॉन डीएक्स होगा, डी आर अपॉन डीएक्स होगा वो आर सॉरी एक्स अपॉन आर होगा, और एक्स का वैल्यू आप देख सकते हो आर साइन थीटा कॉस फाई, तो आप रख दोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई। एक्स का वैल्यू मैंने रख दिया आर साइन थीटा कॉस फाई यहां पर, तो आपके पास हो गया साइन थीटा कॉस फाई। इसी तरह से अगर डबल डिफरेंशियल कर दो वाई के रिस्पेक्ट में डी आर अपॉन डी वाई, तो ये टू वाई होगा, मतलब अगेन डी आर अपॉन डी वाई जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा वाई अपॉन आर, और y का वैल्यू अगर मैं r साइन थीटा साइन फाइव यहां रख दूं तो आपके पास ये हो जाएगा साइन थीटा साइन फाइव सिंपली। क्लियर बात। इसी तरह से मैं आगे बढ़ता हूं और डिफरेंशियल कर देता हूं टू डी आर जेड के रिस्पेक्ट में, टू जेड बचेगा, मतलब डी आर अपॉन डी जेड जो होगा वो क्या बच जाएगा, आप देख सकते हो जेड अपॉन आर, और जेड का वैल्यू अगर मैं रख देता हूं आर कॉस थीटा, तो आर आर कॉस कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा कॉस थीटा। तो ये देखो डी आर अपॉन डी एक्स डिफरेंशियल डेल अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल वाई डेल आर अपॉन डेल जेड, ये हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि आपको दिख रहा होगा। क्लियर बात, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैंने डी आर का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में, डी आर का डिफरेंशियल वाई के रिस्पेक्ट में, और डी आर का डिफरेंशियल जेड के रिस्पेक्ट में किया है। अब हम लोग को जो डी आर है, या फिर आप समझिएगा हम लोग को अब करना क्या है, थीटा का डिफरेंशियल या फाई का डिफरेंशियल हम लोग को लेना होगा एक्स और जेड वगैरह के रेस्पेक्ट में। समझिएगा, जब आप डी डिफरेंशियल लोगे साई का विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो क्या लिखोगे, डी साई अपॉन डी एक्स और डी आर, और फिर डी आर अपॉन डी एक्स, इस तरह से लिखोगे। तो डी आर अपॉन डी एक्स तो लिख लिया आपने, ठीक है, लेकिन डी थीटा अपॉन डीएक्स भी निकालना पड़ेगा, डी थीटा डी फाई अपॉन डीएक्स भी निकालना पड़ेगा, ये सब ध्यान रखना है। बात ये है, जैसे कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप डी साई अपॉन डी आर निकालोगे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा डी आर अपॉन डी एक्स और फिर डीएक्स, यही तो हम लोग को निकालना है। नहीं नहीं, इसको हमको डीएक्स अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, डी आर डी आर अपॉन डीएक्स, फिर इसको डी साई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स, फिर डी साई अपॉन डी फाई, और फिर डी फाई अपॉन डी एक्स। तो बेसिकली हम लोग ये तो निकाल चुके हैं, हम लोग को अब ये सब चाहिए। तो थीटा का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर फाई का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, हम लोग को ये चाहिए होगा। ये आप जब करोगे आगे इसका इक्वेशन का यूज करोगे, डिफरेंशियल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को क्या किया मैंने, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, फिर पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू फाई कर दिया, और फिर हमने इस तरह से इक्वेशन लिख करके बढ़ेंगे आगे। तो हम लोगों ने डी आर अपॉन डीएक्स तो निकाल लिया, अब हम लोग को चाहिए क्या, डी थीटा अपॉन डीएक्स चाहिए। क्लियर है, तो चलिए मैं बढ़ता हूं, हमारे पास है जेड बराबर आर कॉस थीटा, तो इसे कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं जेड अपॉन आर, cos थीटा इज इक्वल टू जेड अपॉन आर होगा। अब क्या करें हम, इसको डी थीटा अपॉन डीएक्स चाहिए तो हम इसको करते हैं डिफरेंशियल, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डीएक्स, और यहां पे क्या होगा जरा गौर कीजिएगा, जेड तो इंडिपेंडेंट है तो जेड इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस जेड अपॉन आर स्क्वायर और डी आर अपॉन डीएक्स, जरा गौर कीजिएगा, माइनस जेड अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डीएक्स, और इससे क्या हो जाएगा जरा ध्यान दीजिए, जेड की जगह मैं रख देता हूं माइनस आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यहां डी आर अपॉन डीएक्स हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, साइन थीटा साइन कॉस फाई जो कि आपके सामने है। अब ये साइन थीटा, ये साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस गॉट कैंसिल्ड, आर आर से कैंसिल हो जाएगा, तो डी थीटा अपॉन डीएक्स जो होगा वो आप देख सकते हैं आसानी से, आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन आर। ठीक है, ये आप निकाल लिया। अब हम लोग को क्या चाहिए, अब हम लोग को चाहिए डी फाई अपॉन डीएक्स, डी फाई अपॉन डीएक्स, मैं इन सबको लिखता हूं, देखिए डी आर अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू आपने निकाल लिया साइन थीटा साइन कॉस फाई, डी आर अप सॉरी डी थीटा अपॉन डीएक्स निकाल लिया आपने क्या
डी थीटा अपॉन डीएक्स निकाल लिया आपने, कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन आर, और फिर डी फाई अपॉन डीएक्स हम लोग को निकालना है। तो चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं, यहां पर आपके पास है टेन फाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो आप क्या करो, इसको डिफरेंशियल कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा टेन का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर फाई, और फिर क्या डी फाई अपॉन डीएक्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब चलिए वाई की जगह आप रख सकते हैं वैल्यू, वाई की जगह रख सकते हैं हम वैल्यू माइनस आर साइन थीटा साइन फाई, और एक्स की जगह हम वैल्यू लग सकते हैं आर स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई। अब ये यहां पर देखिए सेक स्क्वायर फाई है, टेन फाई का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अरे वन अपॉन ही तो है, वन अपॉन जो कॉस स्क्वायर फाई है वही कॉस स्क्वायर फाई है यहां पे, तो डी फाई अपॉन डीएक्स हो जाएगा माइनस आर साइन फाई, सॉरी आर ऊपर नहीं रहेगा आर नीचे हो जाएगा और साइन थीटा। तो ये जो डी फाई अपॉन डीएक्स है, ये जो डी फाई अपॉन डीएक्स है इसका जो वैल्यू है वो मैं लिख दे रहा हूं कितना है, माइनस साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा। दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ किसका, डी फाई अपॉन डीएक्स। तो आपने ये एक निकाल लिया, इक्वेशन थ्री मैं मान लेता हूं इसको। अब जैसा कि मैंने डी थीटा अपॉन डीएक्स किया है, इसी तरह से हम लोग को डी थीटा अपॉन डी वाई निकालना होगा, डी फाई अपॉन डी वाई निकालना होगा, तो कर लेते हैं हम लोग उन सबको भी। तो चलिए मैं उसको भी कर लेता हूं, हम लोग उसको भी कर लेते हैं, और जब आप उसको करोगे ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं डी थीटा अपॉन डी वाई निकाल रहा हूं, तो डी थीटा अपॉन डी वाई निकाल रहा हूं तो कैसे करूं मैं, हां कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास है जेड अपॉन आर, चलिए फिर इसी से करता हूं मैं, तो आपके पास हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी वाई, एंड दैट विल बी इक्वल टू जेड तो कॉन्स्टेंट है माइनस जेड अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी फाई, सॉरी डी वाई ये हो गया। चलिए वैल्यू रख देते हैं, तो जेड का वैल्यू हो गया आपका माइनस आर कॉस थीटा, डी आर अपॉन डी वाई आपने निकाल चुका है साइन थीटा साइन फाई, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और फिर ये आर स्क्वायर हो गया और फिर साइन थीटा इधर आएगा, साइन थीटा गॉट कैंसिल्ड, आर आर गॉट कैंसिल्ड, तो आपके पास डी थीटा अपॉन डी वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाई आर, ये हो गया डी थीटा अपॉन डी वाई। अब इसी तरह से तो फिर मैं इसको भी लिख देता हूं डी आर अपॉन डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू क्या है साइन थीटा साइन फाई, फिर डी थीटा अपॉन डी वाई एंड दैट इज कमिंग इक्वल टू माइनस कॉस थीटा साइन फाई अपॉन आर, और फिर डी फाई अपॉन डी वाई हम लोग को निकालना है जो हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेट। तो टेन थीटा टेन फाई इज इक्वल टू आपके पास है वाई अपॉन एक्स, इसी को मैं यूज कर ले रहा हूं, हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन डी वाई एंड दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन एक्स डी फाई, ये हो गया। तो आप देखोगे डी फाई अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स की जगह आप लिख सकते हो एक्स की जगह आर साइन थीटा कॉस फाई, आप इक्वेशन वन यूज कर रहे हो और यहां सेक स्क्वायर फाई गुना हो गया, तो सेक स्क्वायर फाई का मतलब होता है वन बाई कॉस स्क्वायर फाई, तो कॉस मतलब बच जाएगा, ये हो जाएगा कॉस फाई अपॉन आर साइन थीटा, तो ये हो गया डी फाई अपॉन डी वाई, क्या बोल रहा हूं मैं कॉस फाई अपॉन आर साइन थीटा, ये आपका हो गया डिफरेंशियल ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब हम लोग को इसी तरह से जेड के रेस्पेक्ट में करना होगा, तो जेड के रेस्पेक्ट में हम लोग करते हैं डिफरेंशियल, तो चलिए हम लोग डी आर अपॉन डी जेड तो निकाल ही चुके हैं, डी आर अपॉन डी जेड हमारे पास ऑलरेडी है क्या कॉस थीटा, तो चलिए हम लोग डी थीटा अपॉन डी जेड निकाल लेते हैं, और फिर डी थीटा अपॉन डी जेड निकालने का देखिए जेड इज इक्वल टू है आर कॉस थीटा,
चलिए इसी को d थीटा अपॉन dz चाहिए हमको, तो हम डिफरेंशियल कर देते हैं z के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया 1, और इसका डिफरेंशियल करते हैं तो ये हो जाएगा dr अपॉन dz और cos थीटा बार, और फिर क्या होगा r बार, और फिर cos थीटा का डिफरेंशियल z के रेस्पेक्ट में, तो cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, और फिर d थीटा अपॉन dz। चलिए तो हो गया 1 इज इक्वल टू dr अपॉन dz, dr अपॉन dz cos थीटा है, तो cos थीटा हो गया cos स्क्वायर थीटा, और प्लस ये माइनस में आ गया माइनस r sin थीटा d थीटा अपॉन dz। तो अगर cos स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट इज sin स्क्वायर थीटा, एंड दैट विल इक्वल टू माइनस r sin थीटा और d थीटा अपॉन dz, और इसका मतलब हो गया आपका d थीटा अपॉन dz जो होगा वो कितना हो जाएगा sin थीटा माइनस sin के साथ अपॉन r, तो ये वैल्यू जो हो गया माइनस sin थीटा अपॉन r, दिस इज d थीटा अपॉन dz जो कि आप आसानी से देख सकते हो। अगला आपके पास एक सिचुएशन है, वो क्या है, वो है d phi अपॉन dz। तो देखिएगा जरा tan phi जो है वो डिपेंड कर रहा y और x पे, तो अगर d phi अपॉन dz करोगे तो ऑब्वियस सी बात है जीरो हो जाएगा, ना ही phi का डिपेंडेंस z पे है ही नहीं, phi का डिपेंडेंस y और x पे है, तो इससे दिख रहा है कि d phi अपॉन dz अगर करा जाए तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग फर्स्ट डिफरेंशियल और सेकेंड डिफरेंशियल लाएंगे। बड़ा सा एक डेरिवेशन है जो कि आप समझ ही रहे होंगे कि डेरिवेशन बढ़ा जा रहा है, ये डेफिनेटली बड़ा डेरिवेशन एक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता क्या हूं, मैं आगे कर क्या रहा हूं कि अगर आपको डिफरेंशियल साई का लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप इसको ऐसे लिखोगे साई का डिफरेंशियल आर के रेस्पेक्ट में, आर का डिफरेंशियल साई के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस साई का डिफरेंशियल थीटा के रेस्पेक्ट में और थीटा का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में, साई का डिफरेंशियल फाई के रेस्पेक्ट में और फाई का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में। बेसिकली साई जो है आर थीटा फाई का फंक्शन है, तो जो एक्स का डिपेंडेंस है एक्स के रेस्पेक्ट में, अगर आप डिफरेंशियल चाहते हो तो आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो साई को, फिर आर को एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और फिर थीटा को एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो साई को फिर फाई को एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो। चलो मैं रखता हूं डी आर अपॉन डी एक्स, देखिए मैं इस वैल्यू को रखता हूं तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई डी साई अपॉन डी डी आर प्लस डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्या लिखोगे कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन आर और फिर डी साई अपॉन डी थीटा प्लस डी फाई अपॉन डी एक्स, तो हो जाएगा माइनस साइन फाई अपॉन आर कॉस साइन थीटा और डी साई अपॉन डी फाई, ये आपको दिख रहा होगा, ये हो गया डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह से मैं सिमिलरली लिख देता हूं और आप आसानी से समझ सकते हैं डी साई अपॉन डी वाई, क्या लिखोगे इसी तरह से लिखोगे डी साई अपॉन डी आर, डी आर अपॉन डी वाई, डी साई अपॉन डी थीटा अपॉन डी वाई, डी साई अपॉन डी फाई, डी थीटा अपॉन डी वाई। तो चलिए मैं रखता हूं, तो अगर डी आर अपॉन डी वाई लिखता हूं, मैं डी आर अपॉन डी वाई लिखता हूं तो ये हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई और फिर डी साई अपॉन डी आर, फिर मैं लिखता हूं इसको तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई अपॉन आर डी साई अपॉन डी थीटा, और फिर मैं अगर यहां लिखता हूं तो जाएगा प्लस कॉस फाई अपॉन आर साइन थीटा और फिर क्या डी साई अपॉन डी फाई। इसी तरह से मैं क्या करता हूं डी साई अपॉन डी जेड अगर लिख दूं मैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा सिचुएशन डी साई अपॉन डी फाई, फिर उसी तरह से डी साई अपॉन डी आर, डी आर अपॉन डी जेड, डी साई अपॉन डी थीटा, डी थीटा अपॉन डी जेड, डी साई अपॉन डी फाई, डी फाई अपॉन डी जेड। तो मैं उसको करता हूं तो हो जाएगा आपका डी आर अपॉन डी जेड कॉस थीटा और डी साई अपॉन डी आर,
फिर क्या होगा, माइनस साइन थीटा अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी आर, सॉरी डी साई अपॉन डी थीटा, और प्लस ये जीरो हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, डी फाई अपॉन डी जेड जो है आपका जीरो है, तो इसलिए ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये मैंने फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल लिया साई का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू वाई एंड विथ रेस्पेक्ट टू जेड। अब मैं इसमें एक स्टेप और करने जा रहा हूं जो कि आपको समझना है अच्छे से, यहीं पे लोग लेंदी हो जाता है, लोग छोड़ते हैं, समझना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। अगर मैं डबल डिफरेंशियल कर दूं डी टू साई अपॉन डी स्क्वायर, मैं एक का कर रहा हूं, मैं सिमिलरली सबका कर दूंगा, मैं आप अगर चाहो तो और एक्स्ट्रा सीट लेकर के आप कर सकते हो, लेकिन तरीका एक ही है, एक कर लोगे आप सब समझ जाओगे। डिफरेंशियल डीएक्स का किसके, डी साई अपॉन डीएक्स, यही लिखोगे ना, बोलो। और डी साई अपॉन डीएक्स आपने लिखा हुआ है, डी साई अपॉन डीएक्स आपने लिखा हुआ है, तो चलिए मैं कर देता हूं क्या, डी अपॉन डीएक्स, चलिए मैं लिखता हूं डी साई अपॉन डी आर, डी आर अपॉन डीएक्स प्लस, चलिए ना मैं सब में करता हूं, डी साई अपॉन डीएक्स, डी साई अपॉन डी थीटा अपॉन डीएक्स प्लस डी साई अपॉन डी एक्स और विद डी साई अपॉन डी फाई और डी फाई अपॉन डीएक्स। क्या किया मैंने, डिफरेंशियल जो है एक्स के रिस्पेक्ट में तीनों पे अप्लाई कर दिया, तीनों के साथ था तो लगा दिया। अब जरा गौर कीजिए, हम जो ये जो एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशियल है उसको हम आर के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में जो पहले डिफरेंस है उसको थीटा के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, फाई के साथ जो एक्स का डिफरेंशियल है उसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और बेसिकली ये हो जाएगा डी अपॉन डी आर और फिर डी साई अपॉन डी एक्स डी आर अपॉन डी एक्स प्लस यहां भी डी अपॉन डी थीटा डी साई अपॉन डी एक्स डी थीटा अपॉन डी एक्स प्लस यही हो जाएगा डी अपॉन डी फाई और डी साई अपॉन डी एक्स डी फाई अपॉन डी एक्स। ये समझ में आया, मैंने बस इंटरचेंज किया, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल था फिर r के रिस्पेक्ट में था, मैंने r के रिस्पेक्ट में पहले करा और x के रिस्पेक्ट में बाद में करा, और इस तरह से थीटा और x के साथ फाई और x के साथ। अब जरा गौर कीजिए, डी साई अपॉन डी एक्स आपको पता है, यही तो है आपका डी साई अपॉन डी एक्स, मतलब यह है कि आपका जो डी साई अपॉन डी एक्स और साथ ही साथ डी आर अपॉन डी एक्स, डी आर अपॉन डी एक्स भी आपको पता है, डी आर अपॉन डी एक्स आपको ऑलरेडी दिख रहा है, डी आर अपॉन डी एक्स साइन थीटा कॉस फाई। तो बेसिकली जो आपका डिफरेंशियल बनने वाला है, समझिएगा, वो आपका इस तरह से बनने वाला है डी अपॉन डी आर, और चलिए मैं क्या करता हूं इसकी जगह पर रख देता हूं डी आर अपॉन डी एक्स की जगह साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, और इसमें जो होगा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन सा टर्म, ये सारा का सारा टर्म, मतलब साइन थीटा कॉस फाई डी साई अपॉन डी आर प्लस कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन आर डी साई अपॉन डी थीटा प्लस प्लस नहीं माइनस साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा डी साई अपॉन डी फाई। ये मैंने कौन सा टर्म लिखा, मैंने ये वाला टर्म सिर्फ लिखा है, समझिएगा, मैंने सिर्फ ये टर्म लिखा है, इसे तीन टर्म आ रहा है, इससे भी इसी तरह से तीन टर्म आएगा, इससे भी इसी तरह से तीन टर्म आएगा। अगर मैं सबको लिख दूं तो डी अपॉन डी थीटा और आपका डी थीटा अपॉन डी एक्स आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है कॉस थीटा कॉस वाई अपॉन आर, और फिर ये बिल्कुल यही चीज आ जाएगा। फिर अगर आप साई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल लेते हो तो यहां पे देखिएगा साई डी साई अपॉन डी एक्स माइनस साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से नाइन टर्म जो है आपका इसमें आ गया, आपके पास नाइन टर्म जो है आपके पास इसमें आ गया। इसी तरह से नाइन टर्म जो होगा डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर में आएगा, और इसी तरह से फोर टर्म, नाइन टर्म नहीं आएगा, फोर टर्म आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो डी साई अपॉन डी जेड में दो ही टर्म है, तीन टर्म नहीं है, दो टर्म है, तो दो टर्म पे अगर बार बार आप इस तरह से अप्रोच लोगे तो आपको
फोर टर्म आएगा। तो मैं बस उसको लिख देता हूं, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, तरीका यही है, कैलकुलेशन यही है, कैलकुलेशन आप यही कर लोगे, आप वो आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इसमें कहा कि 9 टर्म आए टोटल, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अगर डी टू साई वाई डी वाई स्क्वायर किया जाए तो यहां भी 9 टर्म्स आएंगे, और अगर डी टू साई वाई डी जेड स्क्वायर किया जाए तो यहां 4 टर्म्स आएंगे। तो अगर मैं इन सभी टर्म्स को कंबाइन कर दूं, तो कंबाइनिंग ऑल दीज टर्म्स अगर हम लोग कंबाइन कर दें ऑल दीज टर्म्स को, तो डी टू साई बाई डी स्क्वायर, डी टू साई बाई डी जेड स्क्वायर और डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर और डी टू साई बाई डी जेड स्क्वायर का जो वैल्यू होगा आर थीटा फाई के टर्म में कुछ इस तरह से आता है, 1 बाई आर स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ आर आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर साई का। फिर आप वाई के रिस्पेक्ट में आप गया, मतलब बेसिकली सबका कॉम्बिनेशन है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, और फिर क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा और फिर डी साई अपॉन डी थीटा, और प्लस आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फिर डी टू साई अपॉन डी फाई स्क्वायर। तो ये जो है इन तीनों को ऐड करने पे, ये 9 टर्म मैंने यहां पे दिखाया है, इसी तरह का 9 टर्म ऑब्वियसली बात है थोड़ा डिफर करके डी टू साई बाय डी वाई स्क्वायर में आएगा 9 टर्म, और इसी तरह का 4 टर्म जो होगा डी टू साई बाय डी जेड स्क्वायर में आएगा। अगर हम इन सभी टर्म्स को कंबाइन कर दें तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा ये, और इसका सीधा मतलब है, इसका सीधा मतलब है कि आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगा, वो इक्वेशन जो है जो आपके पास है डी टू साई वाई डी स्क्वायर डी टू साई वाई डी जेड स्क्वायर डी टू साई बाई डी जेड वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई आर स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो, उसकी जगह ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास जो इक्वेशन हो जाएगा, आपके पास जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर आर स्क्वायर डी साई अपॉन डी आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा और साइन थीटा डी साई अपॉन डी थीटा और प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी टू साई अपॉन डी फाई स्क्वायर। ये सारा का सारा टर्म हो गया ये तीनों का, और बाकी ये टर्म तो एज इट इज रहेगा ही, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हमने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे इंटरचेंज करते हैं इसके बारे में बताया। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग डेरिवेशन किए, बारी बारी से आपको डिफरेंशियल ले करके इंटरचेंज करते हुए आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना था। थैंक यू।